आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई, जबकि लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से दुरखाना तक धुंध की वजह से बंद है। मजीद तर्जुमान मोटरवे का क्या कहना है, जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार, अपडेट कीजिएगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज बरकरार है और आज दिन भर शहर लाहौर को धुंध ने अपनी लपेट में लिए रखा। अगरचे दिन के औकात में धुंध की शिद्दत कदरे कम थी, लेकिन शाम ढलते ही धुंध की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होता गया। इस वक्त धुंध के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि लाहौर के नवाही इलाके जिनमें बरकी रोड, बेदिया रोड, राइविंड सिटी समेत दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर शदीद धुंध की वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना है। इसी तरह से मोटरवे के बाज़ मकामात पर भी शदीद धुंध पाई जा रही है और हद निगाह सिफर हो चुकी है। यही वजह है कि मोटरवे को आर्जी तौर पर बंद करना पड़ा। मोटरवे पुलिस हुकाम के मुताबिक लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया है। इसी तरह लाहौर मुल्तान मोटरवे को फैजपुर से दरखाना तक बंद किया गया है, जबकि मोटरवे M4 को पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। मोटरवे पुलिस हुकाम का कहना है कि मोटरवे को शदीद। जी इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका। क्रिसमस पर शहर के गिरजाघरों में दुआया तकरीबात का अहतमाम किया गया। सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में आर्च बिशप फ्रांसिस शाह ने मुस्लिम उलमा के साथ क्रिसमस का केक काटा। मुकदसा मरियम बेदाग गिरजाघर में भी केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। कैथेड्रल चर्च में मजहबी रवादारी का मुजाहरा करते हुए आर्च बिशप सबस्टेन फ्रांसिस शाह ने मुस्लिम उलमा के साथ केक काटा। क्रिसमस के केक काटने की तकरीब में SPOS, SP तौकीर मोहम्मद नईम, SHO बाबर, कारी खालिद महमूद, शाहजादा एहसन गिलानी ने शिरकत की। इस मौके पर मौलाना आसिम मखदूम का कहना था कि मजहबी रवादारी के फरोग के लिए एक प्लेटफार्म पर मुतहद है। आर्च बिशप सबस्टेन फ्रांसिस शाह का कहना था, हमने चर्च, मंदिर, मस्जिद, मदरसा से अमन का पैगाम दिया है। क्रिसमस की मुनासबत से मुकदसा मरियम बेदाग गिरजाघर में केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर अनारकली हाजी नईम खान, MNA वहीद आलम खान समेत मसीही बरादरी की बड़ी तादाद शरीक हुई। कोट लखपत बहार कॉलोनी में एटर्नल लाइफ चर्च में क्रिसमस की तकरीब सजाई गई। पास्टर अनवर फजल और मिसेस निदा अनवर फजल ने अमरीका से वीडियो लिंक के जरिए दुआ करवाई। लकी हेडस्टोन गुलबर्ग में क्रिसमस केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ऑर्गेनाइजर शाहिद मिर्जा, मेहमान खसूसी एंकर यासिर शामी ने केक काटा। क्रीम खान सिंगर, अक्सर रोमी टिकटॉकर सना साबिर, सुहाना सारा, हमारा बाइकर शाहरुख खान, मॉडल मारिया कोइन ने भी शिरकत की। बस शामिल करें वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात। वजारत रेलवे और हवाबाजी डिवीजन के अमूर समेत मुल्क की मजमू सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी मुशावरत हुई। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ का कहना था कि नेक नीयती से आवाम की खिदमत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आवाम की खिदमत ही हमारी सियासत का मकसद है। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में तकरीब का अहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि बदकिस्मती से हमारी सियासत में गालम गलोच का कल्चर आ गया है। इमरान खान को लाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। मुस्लिम लीग नून सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिना, साबिक वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ की सालगिरह और क्रिसमस के हवाले से कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुस्लिम लीग नून के हक में नारे लगाते रहे। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट लेना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को मुश्किल से निकालने के लिए अमली इकदाम करना होंगे। इमरान खान को लाने का तजर्बा नाकाम हो गया। सब मिलकर मुत्तहिद होकर हम मुश्किल तरीन हालात में भी डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम नाउम्मीद नहीं हैं, हम मायूस नहीं हैं। मुश्किलात हमारी आपकी सोच से ज्यादा हैं। जो इस निज़ाम को चला रहे हैं, जो इस निज़ाम के अंदर मौजूद हैं, उन्हें अंदाजा कि कितने बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम छोड़ के भाग जाएं। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, ख्वाजा अहमद हसन, हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान, मलिक सैफ अल मलूक खोकर, राना मुबशर इकबाल, चौधरी शहबाज अहमद, राना एहसन शराफत, सैयद तौसीफ शाह समेत दीगर ने कहा कि मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा अवामी मफाद में फैसले किए। नवाज शरीफ को इज्जत से वापस लाओ, इज्जत से वापस लाओ, इंशाल्लाह वही
इस मुल्क का मामला ठीक करेगा, अपने भाई शबाज का हाथ थाम कर उस पर दस्ते शफकत रखकर इन तमाम जुमा के साथ मिलकर इंशाल्लाह मुल्क को ठीक करेंगे। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से आज पाकिस्तानी कौम इस हालत के अंदर ये दिन मना रही है कि आज हमारे कायद अल्लाह ताला के फजल से आज इस दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उनको सेहत और सलामती अता फरमाए और उनको जल्द अज जल्द पाकिस्तानी कौम के अंदर इंशाल्लाह दोबारा वापस लाएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आजम या शहबाज शरीफ की क्यादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम। ताजबाग हाउसिंग स्कीम में बिजली का दरीना मसला हल करवाने पर रिहायशियों के ज़ेर एहतमाम तकरीब सजाई गई। वफाक वजीर सरदार आयाज सादिक, साबिक वजीर सेहत ख्वाजा सलमान ने खसूसी शिरकत की। ताज बाग में बिजली के मसले को मुस्तकिल हल करवाने पर अहले इलाका की जानिब से तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक और ख्वाजा सलमान रफीक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक का कहना था कि हमारा मकसद हलकों के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करना है। मेरे हर पोलिटिकल जमात के लीडर से और उनसे एक अच्छा ताल्लुक है। जो लोग छोड़ के गए उसको किसी ने नहीं भेजा। इसके रवैये से कहते हम जाते थे तो कुर्सी पे बैठे हाथ मिलाते थे, हम कहते हैं कि हमें कम से कम खड़े होके तो मिल लो, को दरवाजे तक छोड़ने आ जाओ। जिस आदमी को इतनी तहजीब ना, जिस ने छोड़ा अपनी इज्जत नफ्स की वजह से छोड़ा। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा सलमान रफी का कहना था कि हुकूमत ना होने के बावजूद आवाम का प्यार हमें खुशी दे रहा है। अगर हमें पंजाब में मौका मिला तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह चाहे 157 हो, वो यूसी 147 हो या पंजाब का कोई भी गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, कस्बा हो, शहर हो, इंशाल्लाह वहां पे अपनी रवायत के मुताबिक काम करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस का केक भी काटा गया और मसीही बरादरी को मुबारकबाद पेश की गई। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। खबर शामिल करें, आशियाना साइकिलिंग क्लब और सिटी ट्रैफिक पुलिस के इश्तराक से वैलेंशिया टाउन में साइकिल रैली निकाली गई। आशियाना साइकिलिंग क्लब और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से साइकिल रैली का अहतमाम किया गया। सीटीओ डॉक्टर असद मलही, मारूफ एक्टर काशिफ महमूद, एसपी शहजाद खान और साइकिल रैली में लेडी वार्डन समेत साइकिल रैली में 500 से ज़ायद मर्द ख़वातीन और बच्चों ने शिरकत की। रैली के मौके पर सीटीओ का कहना था कि मुआशरे में सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग दिया जा रहा है और माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हमें कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करना होगा। फ्लैटीज होटल के डायरेक्टर ऑपरेशंस अरशाद बी अंजुम के वालिद मोहम्मद लतीफुल्ला की 100वीं सालगिरह की तकरीब फ्लैटीज होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब में दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। फ्लैटीज होटल के डायरेक्टर ऑपरेशंस अरशाद बी अंजुम के वालिद मोहम्मद लतीफुल्ला की 100वीं सालगिरह की तकरीब फ्लैटीज होटल में मुनक्किद की गई। तकरीब में डायरेक्टर ऑपरेशंस अरशाद बी अंजुम, शमशाद, दिलशाद, नासिरा अरशाद बी अंजुम, सुहेल अंजुम, मुबीन अंजुम, मारूफ फनकार सुहेल अहमद अजीजी, एंकर पर्सन रौफ क्लासरा, जस्टिस रिटायर्ड मंजूर अहमद मलिक, डॉक्टर नुमाद स्मिथ, दोस्त अहबाब ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने तकरीब के रूह रवा मोहम्मद लतीफुल्ला का पुरतपाक इस्तकबाल किया। का बहुत शुक्र गुजार जिन्होंने मेरी इस ख्वाहिश को, तमन्ना को उजागर किया। दोस्त अहबाब की जानिब से भेजे गए वीडियो पैगाम भी तकरीब का हिस्सा बनाए गए, जबकि मोहम्मद लतीफुल्ला की काविशों, मेहनत और खुलूस मोहब्बत पर तीनों बेटों इरशाद, दिलशाद और शमशाद की जानिब से लबकुशाई की गई। जब भी बीमार होते थे तब हम यही कहते डैडी को, भाई फिक्र ना करो, तुझे सेंचुरी करनी है, आई एम सो हैप्पी दैट ही कंप्लीट द सेंचुरी। लेकिन उन्होंने घर में इतनी अच्छी फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट की हुई थी, जहाँ भी आप मुझे देखते हैं, मेरे छोटे भाई को देखते हैं, बड़े भाई को देखते हैं, सारा क्रेडिट अपने डैडी को देगा। डैडी ने हमें बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है, टफ थे लेकिन डिसिप्लिन के मामले में कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। मैं अब्बा जी का सबसे छोटा बेटा हूँ, मैं अमेरिका में इंजीनियर हूँ, स्पेशली अब्बा जी की बर्थडे के लिए आया हूँ, अल्लाह ताला उनको और लंबी उम्र अता फरमाए। मैं अपने वालिद साहब की 100वीं सालगिरह मनाने की खुशी में खुद भी बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ और अल्लाह ताला सबके वालदैन को इतनी उम्र अता फरमाए तो वो भी इसी तरह सेलिब्रेट करें। तकरीब में सालगिरह का केक काटा गया और मोहम्मद लतीफ की यादगार तस्वीर पर मबनी वीडियो भी दिखाई गई। मशहूर फनकार सुहेल अहमद अजीजी का कहना था कि इरशाद भी अंजुम के वालिद की मोहब्बत और शफकत उनकी कामयाब फैमिली का मुंह बोलता सबूत है। मैं नहीं समझता कि पैसे वाला आदमी अमीर होता है,
मैंने आज ये देखा है कि ये पाकिस्तान की अमीर तरीन फैमिली है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह अपने वालदे मोहतरम की खिदमत की है और जिस तरह उनकी दुआएं ली हैं, मैं समझता हूं कि जो दुआओं का अकाउंट होता है वो इनका पाकिस्तान का सबसे बड़ा अकाउंट है। इन्होंने 100 साल अपने बुज़ुर्गों की दुआएं ली हैं और आज भी वो उसी तरह उसी जज्बे के साथ इनको दुआएं दे रहे थे। मोहम्मद लतीफुल्ला की ज़िंदगी की सेंचुरी मुकम्मल होने पर तमाम दोस्त अहबाब की जानिब से तहाइफ भी पेश किए गए और उनकी मोहब्बत और शफकत को सराहा गया। कैमरामैन अब्बास भट्ट के साथ कोमल असलम, लाहौर। मदीना मुनवरा से ताल्लुक़ रखने वाली मारूफ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत चौधरी जफर अली की साहबजादी मोना जफर की शादी की तकरीब फ्लैटीज होटल में हुई। सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मौलाना जफर मारूफ कारोबारी शख्सियत मियां आसिफ के साहबजादे मियां फहद के साथ शादी के बंधन में बंध गई। रुखसती की तकरीब में वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, साबिक सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक, मेंबर सूबाई असेंबली अली हैदर गिलानी ने शिरकत की। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर खान, साबिक MPA कैसर अमीन भट्ट, साबिक CCPO लाहौर असलम तरीन शरीक हुए। ताजी रहनुमा बाबर भट्ट, हाजी अक्रम CEO अमरीकन लाइस्टफ स्कूल जिशान जिया राजा तकरीब में आए। SP सुहेल काजमी, साबिक IG कश्मीर मलिक खुदा बख्श, डॉक्टर शहजाद शाहिद जफर चौधरी, सलमान शरीफ, हाजी शरीफ चौधरी उमेर, मियां खालिद, तनवीर राजपूत मेहमानों में शामिल थे। शुरकानी नोब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। न्यूज स्टूडियो से फिलवक इतना ही।